नमस्कार दोस्तों, मैं पारो स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से एकिन के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। और आज के जो वीडियो है वो टीचर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन क्वेरीज के बारे में बात करने जा रही हूँ, उन क्वेरीज को कवर करने जा रही हूँ जो एक टीचर्स के माइंड में जरूर आती है जब वो डिजिटल पैनल को परचेज कर। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी क्वेरी है, जैसे कि क्या डिजिटल पैनल को कंप्यूटर से और लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ता है, क्या इसमें इंटरनेट चलता है, क्या हम गूगल सर्च कर सकते हैं, क्या इसमें व्हाइट बोर्ड है, और सबसे मेन पीपीटी और पीडीएफ से पढ़ाना हो तो। ऐसी कुछ क्वेरीज हैं जो टीचर्स के माइंड में जरूर आती है डिजिटल पैनल परचेज करते समय। तो उसमें से पहली जो क्वेरी है उस पर बात करते हैं कि जैसे कि क्या डिजिटल पैनल को लैपटॉप और कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है क्या। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपका एंड्रॉयड फोन है उसी तरीके से डिजिटल पैनल भी है। जिस तरीके से आप अपने फोन में यूट्यूब चला सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, उसी तरीके से आप इस डिजिटल पैनल का भी यूज कर सकते हैं। और मैं बात करूं टीचर्स के लिए, तो टीचर्स के लिए डिजिटल पैनल ऑल इन वन सॉल्यूशन है, क्योंकि इसे किसी भी एडिशनल डिवाइस से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि इसमें वो सारे टूल्स हैं टीचर्स के लिए जो उनकी टीचिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन आपका कोई सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जो सिर्फ विंडोज पे चलता है, तो उस समय आप अपने डिजिटल पैनल से लैपटॉप या डेस्कटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे डिजिटल पैनल में कुछ HDMI पोर्ट्स दिए होंगे, तो उनके थ्रू आप लैपटॉप और डेस्कटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन होता है वो होता है क्या इसमें इंटरनेट चल सकता है क्या। तो जी हाँ, जिस तरीके से आप अपने फोन में इंटरनेट और वाईफाई यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से आप डिजिटल पैनल में भी वायरलेसली और वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम जाएं तो होता है क्या इसमें गूगल सर्च कर सकते हैं क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है टीचर्स के लिए टीचिंग के टाइम पे, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी समझाना होता है तो वो इजीली गूगल सर्च करके समझा सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी मैं आपको बताती हूँ, ब्राउजर जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ मैंने एजुकेशन सर्च किया, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस वीडियोस हैं वो मुझे यहाँ मिल जाएंगी। तो मैं इजीली, या तो मुझे इमेजेस पे देखना है या फिर मुझे वीडियोस देखनी है, तो मैं उन पे इजीली क्लिक करके यहाँ पे वीडियोस निकाल सकती हूँ। तो इस तरीके से आप टीचर्स का जो भी कंटेंट है इजीली आप यहाँ पे गूगल सर्च कर सकते हैं और उस कंटेंट पे स्टूडेंट्स को समझा भी सकते हैं। अब जो एक क्वेश्चन होता है टीचर्स का वो है क्या इसमें व्हाइट बोर्ड है। अब व्हाइट बोर्ड की क्वेरी क्यों होती है, क्योंकि टीचर्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि पढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा, पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। जिस तरीके से उन्हें कुछ भी मतलब राइटिंग करके या फिर कुछ फिगर बना के स्टूडेंट्स को समझाना होता है, तो उस टाइम पे उन्हें ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड की जरूरत रहती है। बट अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है ना कि अब डिजिटल बोर्ड के अलावा ये चीजें कुछ भी नहीं है। तो आपको वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको राइटिंग नोट सॉफ्टवेयर मिलता है, जिसमें कि आपको बहुत ही ज्यादा ऐसे अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग टूल्स मिलते हैं जो आपकी टीचिंग को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। जिस तरीके से आप नॉर्मल बोर्ड पे आप खुद से एक शेप को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको खुद बनी बनाई शेप्स मिल जाती हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ शेप्स पे क्लिक किया, आपको यहाँ डिफरेंट टाइप की शेप्स मिल जाएंगी। जैसे ही मैंने यहाँ सर्किल लिया तो मुझे यहाँ पे ये मैंने इजिली उसको ड्रॉ कर दिया। आप स्लैक करके इनको ड्रैग कर सकते हैं, इन पे ओवरराइड करके भी समझा सकते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे बेहतरीन टूल्स हैं टीचिंग के लिए, जैसे इसमें टेबल्स भी है, ग्रिड ऑप्शंस भी है। उसके अलावा आपका कोई भी कंटेंट है जो आपने बनाया हुआ है, पीपीटी है या पीडीएफ है या मेज है, इजीली आप उसको यहाँ से इम्पोर्ट करके भी समझा सकते हैं। ये तो हुआ राइटिंग नोट सॉफ्टवेयर की बात, लेकिन अब जो एक मेन क्वेरी होती है टीचर्स की वो होती है क्या हम इसमें पीपीटी को ओपन कर सकते हैं क्या, पीपीटी पे वर्क करके समझा सकते हैं क्या। तो ये भी उनकी क्वेरी सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि आप अपनी पेन ड्राइव से कोई भी पीपीटी को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक पीपीटी अपनी ओपन करी, तो ये मेरी पीपीटी है जो यहाँ पे ओपन हो गई। आपकी पीपीटी में जितने भी स्लाइड पेजेस होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। जिस तरीके से अभी मेरी पीपीटी में यहाँ पे 4 पेजेस हैं और वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पेजेस भी यहाँ पे ओपन हो सकते हैं और आप इजीली स्टूडेंट्स को अपने कंटेंट को समझा सकते हैं। सबसे अच्छा जो ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है वो ये है कि आप स्टूडेंट्स को इस पे ओवरराइट करके इजीली समझा सकते हैं, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन डिजिटल पैनल में मिल जाएगा।
इस तरीके से, तो अपने कंटेंट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इस डिजिटल पैनल के थ्रू। तो इस तरीके से ये जो क्वेरी थी कुछ मैंने सॉल्व करी आप लोगों की, कवर करी। हो सकता है आपको एक क्वेरियों से आपके एक जो थॉट था माइंड में कि डिजिटल पैनल हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए टीचर्स को, तो वो एक प्रॉब्लम खत्म हुआ होगा उनका। लेकिन इसके अलावा भी उनकी कोई और भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एकिन टीम हमेशा अवेलेबल है आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड डू एंड लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल।